पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सवेरे का सूरज रोज मुझसे कहता है, उजाले बांट देने से उजाला कम नहीं होता। बेशक अगर हम अपनी ज़िंदगी की कुछ मुस्कुराहटें किसी के नाम कर दें, अगर हम अपनी खुशियां किसी के साथ शेयर कर लें, तो आप यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी में खुशियां कम नहीं होंगी, बल्कि किसी का साथ देने से खुशियां बढ़ ही जाया करती हैं। लिहाजा छोटी सी कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि हम समाज में एक बेहतर और खूबसूरत ज़िंदगी के अलम्बरदार बन सकें। कुछ ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ हम हाजिर हो जाते हैं हर एक हफ्ते प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। और हाँ, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आज का एपिसोड है कुछ ख़ास। जी हाँ, मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिन खास लोगों का जिक्र किया है, उनकी बात भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो बस रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, कहा जाता है कि ख्वातीन के अंदर एक अलग ही तरह का हौसला हुआ करता है, ज़िंदगी में कुछ करने की हिम्मत हुआ करती है। और कुछ ऐसी ही ख्वातीन का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम मन की बात में किया है। जी हाँ, छतरपुर की कुछ ऐसी ख्वातीन हैं जो न सिर्फ पानी का तहफ़ुज़ करती हैं, बल्कि मछली पालन भी कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने मछली पार्लर खोला है, जहां मछलियां फरोख्त की जाती हैं और कुछ ख्वातीन पानी में से जाकर मछलियां पकड़ कर लाती हैं। है ना कितनी खूबसूरत कहानी। और ये वही ख्वातीन हैं जो अपनी ज़िंदगियां अपने आप बदल रही हैं, दीगर ख्वातीन को रोज़गार दे रही हैं, न सिर्फ खुद बदल रही हैं बल्कि अपने गाँव की एक नई तस्वीर लेकर ये ख्वातीन लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो किस तरह से ये ख्वातीन काम करती हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में छतरपुर और कबायली अक्सरियती जिले डिंडोरी के सेल्फ हेल्प ग्रुपों में काम करने वाली ख्वातीन की तारीफ की। दर हकीकत छतरपुर में फलों के जंगल के तहत 2 हेक्टेयर जमीन पर तकरीबन 2300 दरख्त लगाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख्वातीन ने तब्दीली का एक बड़ा पैगाम दिया। उसी वक्त डिंडोरी जिले के रायपुरा गांव में शारदा सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन ने मछली पालन के साथ पानी के तहफ़ुज़ के सिम्त में बेहतर इख्तरा पेश की। डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब की तामीर की वजह से जेरे जमीन पानी की सतह काफी बढ़ गई। इसका फायदा इस गांव की खवातीन को मिला। शारदा आजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन ने मछली पालन का नया कारोबार शुरू किया। यही नहीं, इन खवातीन ने फिश पार्लर भी शुरू किया, जहां मछली की फरोख्त से उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। पहले ये खवातीन घर के किचन तक महदूद थीं। खानदान में पैसे की कमी ना हो, इसके लिए दिन भर किसी और के घर मजदूरी भी करती थी। लेकिन 2009 में मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के कुछ अहलकार आए और फिर उन्होंने खवातीन का एक ग्रुप बनाने और कुछ काम करने का मशवरा दिया। और फिर खवातीन ने शारदा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और खवातीन को रोजगार से जोड़ने का आज़म किया। पहले हमारा जीवन बहुत कठिन था। पैसे की तंगी के कारण हमें दूसरों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद जिंदगी आसान हो गई। साल 2014 में रायपुरा जलाशय 10 साल की लीज पर शारदा सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया और तकरीबन 32,000 रुपए की लागत से जलाशय में 1,00,000 फिंगरलिंग्स लगाए गए। इसके बाद खवातीन ने हर गाँव और बाजार में मछलियाँ बेचना शुरू कर दी। मछली बेचकर ज्यादा मुनाफा होने लगा। तकरीबन एक दिन में ग्रुप की खवातीन 3,000 से 4,000 रुपए की मछली फरोख्त करती हैं। और अब दीदी स्मार्ट फिश पार्लर भी है, जिसकी वजह से इन खवातीन को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। मछली सिर्फ फिश पार्लर से फरोख्त की जाती है। ये खवातीन तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपए की मछली फरोख्त करती हैं। यहाँ 3 खवातीन ही ड्यूटी पर रहती हैं, बाकी खवातीन गाँव के तालाब से मछलियाँ पकड़ कर यहाँ पहुँचाने का काम करती हैं। ग्रुप की खवातीन इस मुनाफे को आपस में बांट देती हैं, खवातीन खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तो अपने बाजुओं में कुव्वत-ए-परवाज़ पैदा कर।
जी हाँ, बात हो रही हो ख्वातीन की और उनकी उड़ान का जिक्र ना आए तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रोग्राम मन की बात में इस तरह की ख्वातीन का ज़रूर जिक्र करते हैं। तो चलिए कुछ ऐसी ख्वातीन से आपको और मिलवा देते हैं जो जल प्रहरी कहलाती हैं, यानी पानी के लिए काम करती हैं। और कमाल की बात यह है कि जो दरिया सूख चुके थे उनके लिए ये ख्वातीन काम करती हैं और डैम बना रही हैं। वाकई एक अलग तरह की मिसाल ये ख्वातीन पेश कर रही हैं और बता रही हैं कि ख्वातीन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए मिलते हैं इन खास ख्वातीन से। झांसी में कुछ ख्वातीन ने घुरारी नदी को नई जिंदगी दी है। ये जल सहेलियां हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता हैं। ये ख्वातीन इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करती हैं कि गर्मियों में गांव के लोगों को पानी की बहरान का सामना न करना पड़े। इन ख्वातीन ने जिस तरह मरते हुए दरियाए गुरारी को बचाया है उसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। इसके लिए ख्वातीन ने बोरियों में रेत भरकर चेक डैम तैयार किया, बारिश के पानी को जाये होने से रोका और दरिया को पानी से भर दिया। इनका मानना है कि कुछ जगहों पर खवातीन की ताकत पानी की ताकत को बढ़ाती है और दूसरी जगहों पर पानी की ताकत खवातीन की ताकत को मजबूत करती है। झांसी के बाबीना विकास ब्लॉक के सिमरावरी गांव में मुकामी खवातीन ने गुरारी नदी को बहाल करने के लिए 6 दिन तक मेहनत की। बोरियों में रेत भर कर दरिया का पानी रोकने के लिए डैम बनाकर दरिया को पानी से भर दिया। इससे न सिर्फ इस इलाके के लोगों को पानी का मसला हल हुआ बल्कि इनके चेहरों पर खुशी भी लौट आई। नदी में बंद होने वाला पानी मुकामी लोगों को नहाने और जानवरों को पीने का पानी फराहम कर रहा है। मादरे ताकत की जितनी तारीफ की जाए कम है जो पानी के तहफ्फुज के लिए एक तहरीक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अच्छी और खूबसूरत कहानियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नई सुबह नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर, देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार दोपहर 3 बजे। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी ट्रिपल आर। और ट्रिपल आर के नाम से जाने जाते हैं केरल के सुब्रमण्यम। इनकी उम्र है 74 साल, लेकिन ये जानते हैं कि बेकार चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जी हाँ, एक ज़माने से ये कुर्सियों को बुनाई करते हैं और ख़ास बात यह है कि उन कुर्सियों को सही करते हैं, उनकी बुनाई करते हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, और कई ख़ास दफातर में ये काम भी कर रहे हैं और इसीलिए लोग इन्हें ट्रिपल आर के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। और ख़ास बात यह है, इनका कहना भी यही है कि जब से मैंने कुर्सियों की बुनाई शुरू की है तब से मैंने अपनी ज़िंदगी का ताना बाना बुनना भी सीख लिया है। यानी एक नई ज़िंदगी इनके सामने है। ज़िंदगी को कैसे बदला जा सकता है, ये सुब्रमण्यम ने जाना है बेकार चीज़ों को सही करके। तो चलिए क्या है सुब्रमण्यम की कहानी आपको दिखाते हैं। ये है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का शानदार नमूना। कोझिकोड केरल से ताल्लुक रखने वाले 74 साला सुब्रमण्यम, जिन्होंने कुर्सी की बुनाई के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर होते देखा। इन्होंने 13 साल की उम्र में कुर्सियां बनाना शुरू कर दी थी।
शुरू शुरू में वो दिन में 2 कुर्सियां बुनते थे। इन 58 सालों में उन्होंने 23,000 से जायद कुर्सियां दुरुस्त करके उन्हें दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया है। लोग इन्हें रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकिल यानी ट्रिपल आर चैंपियन भी कहते हैं। कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफातर में इनकी मुनफरिद कोशिशें देखी जा सकती हैं। वो सिविल स्टेशनों, PWD और LIC के दफातर, पुलिस स्टेशनों और दीगर सरकारी दफातर में टूटी हुई कुर्सियां बुनते हैं। इन्होंने ये काम अपने बच्चों को भी सिखाया है। और अब मिलिए पुडुचेरी की रमिया से, जो सफाई मुहिम चला रही हैं। पिछले 5.5 सालों से वो माहे नेहरू यूथ सेंटर की डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं और कन्नूर की इंचार्ज भी हैं। वो एक कारी भी हैं और फन से मोहब्बत करने वाली भी। वजीर आजम ने पौंडीचेरी के साहिलों पर सफाई मुहिम पर तबादला ख्याल किया। माहे म्यूनिसिपलिटी और इसके आसपास के इलाके के नौजवानों की एक टीम सफाई मुहिम चला रही है और रमैया इस मुहिम की क्यादत करती हैं। अपनी कोशिशों से इस टीम के लोग माहे के इलाके और खास तौर पर वहां के इलाके को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा बना रहे हैं। ये सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं है, ये सामूहिक शक्ति, आपसी प्रेम और विश्वास के साथ उस भूमि के लिए प्रतिबद्धता है जिसमे हम पैदा हुए हैं। मुल्क के हर हिस्से में सफाई के हवाले से कोई ना कोई अनोखी कोशिश जरूर की जाती है। वजीर आजम ने कहा कि हमें सफाई के हवाले से जारी मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना होगा और ये मुहिम एक दिन या एक साल तक नहीं चलती। ये एक ऐसा काम है जिसे उम्रों तक मुसलसल करने की जरूरत है, जब तक कि ये हमारी फितरत में शामिल ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दोस्तों, बात हो गई ख्वातीन की, बात हो गई बुजुर्गों की, अब भला नौजवानों का जिक्र ना आए तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी। लिहाजा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के झाला गांव, जहां पर कुछ नौजवान अपने इस गांव को साफ सुथरा करते हैं और रोजाना करते हैं और इतना खूबसूरत बना दिया है अपने गाँव को कि टूरिस्ट यहाँ आकर बसेरा करने लग गए हैं। और यहाँ एक समझ लीजिए एक हॉल्ट की तरह है ये गांव, लोग रुकते हैं और यहाँ के बारे में बात भी करने लगे हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ के नौजवानों को। और ख़ास बात यह है कि बहुत जल्दी ये गांव प्लास्टिक फ्री भी हो जाएगा। वाकई इन नौजवानों को सलाम है जो किस कदर मेहनत कर रहे हैं अपने गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रोग्राम मन की बात में स्वच्छता मुहिम का अक्सर जिक्र भी करते हैं और इसी मुहिम को लेकर झाला गांव के ये नौजवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में एक ऐसा पहाड़ी गांव है जिसे देखने के लिए मुल्क और बैरूनी मुल्क से लोग आते हैं। ये एक मामूली गांव है, उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक का झाला गांव। गांव के नौजवानों ने पहाड़ और अपने गांव की माहौलियात को बचाने के लिए सफाई की एक खसूसी पहल शुरू की है। इस इकदाम का नाम थैंक्स नेचर कैंपेन है। गंगा के किनारे बने होटलों और दुकानों के कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए नौजवान खुद माहौलियाती निगरान बनकर झाला को साफ सुथरा रख रहे हैं। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और पूरी हर्सिल वैली में जो देश विदेश की पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर स्वच्छता को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये दिल्ली जैसे हालात यहाँ पर भी पैदा हो सकते हैं क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसी को देखते हुए हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना एक कदम जो हम हमेशा से बढ़ाते आए हैं और साल 2020 से हम निरंतर स्वच्छता अभियान अपनी ग्राम पंचायत झाला में कर रहे हैं। गांव के नौजवान यहां रोजाना 2 घंटे सफाई मुहिम चलाते हैं। रोजाना नौजवानों का एक ग्रुप 140 घरों के साथ साथ होटलों, दुकानों और बाजार में बिखरे कूड़े को साफ करता है और लोगों को आगाह भी करता है। कचरे को ठिकाने लगाने के लिए मंडी में ही कूड़ा उठाने का मरकज बनाया गया है। झाला गांव जिला हेडक्वार्टर उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। ये वादी हर्षिल के बड़े देहात में शामिल है। मेरा सबसे संदेश और निवेदन ये है कि जो भी बाहर से आ रहा है वो या तो अपना कचरा अपने साथ लेके जाओ और वरना जो सुटेबल डस्टबिन दे रखे हैं उसमें अपना कूड़ा रखो। प्लास्टिक पर मुश्तमिल फुजले को 3 हिस्सों में जमा किया जाता है। इसमें खाली पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की दीगर अशिया को अलग से जमा किया जा रहा है। हमें प्लास्टिक के कचरे से भी निजात मिलेगी। नौजवानों के इस इकदाम की वजह से अब गांव में सफाई साफ नजर आ रही है। झाला गांव को जोड़ने वाली सड़क ही नहीं, गांव के हर घर सहन और गलियां भी कचरे से पाक हैं।
झाला पॉलीथीन फ्री गांव बनने की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्द ये जिले का पहला प्लास्टिक फ्री गांव बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जसपा इंडिया का। अच्छी और खूबसूरत कहानियां अभी रवा दवा रहेंगी। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जसपा इंडिया का। नई सुबह नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर, देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार दोपहर 3 बजे। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। और एक बार फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं एक खास खातून से जिन्हें हम जानते हैं सुभाश्री के नाम से। जी हाँ, सुभाश्री जड़ी बूटियों के एक ख़ास बाग के लिए जानी जाती हैं क्योंकि ये बाग इन्हीं का है। और ख़ास बात ये है कि कई सालों से इस बाग के लिए सुभाश्री काम कर रही हैं। लोग यहाँ आते हैं, रिसर्च करते हैं जड़ी बूटियों पर और जानते हैं कि हर्बल पौधे क्या होते हैं या फिर उनसे इलाज किस तरह से किया जा सकता है। सुभाश्री ने ये काम उस वक्त इसका आगाज़ किया था जब इनके वालिद को एक सांप ने काट लिया था और जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया गया था। जब इन्होंने देखा कि जड़ी बूटियां इतने काम की हैं तब इन्होंने अपनी ही ज़मीन पर जड़ी बूटियों का एक ख़ास बाग बना डाला। इस बाग का क्या नाम है और किस तरह से इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बाग के लिए वक्फ कर दी, आइए जानते हैं। मदुरे के वरीचियोर गांव के सरसब्ज और शादाब माहौल में वाक एक शानदार जड़ी बूटियों का बाग है। इसे सुभाश्री चलाती हैं। बाग में 500 से ज्यादा नायाब और हर्बल पौधे मौजूद हैं। दरहकीकत सुभाश्री का हर्बल जड़ी बूटियां उगाने का शौक 1980 के दहाई में शुरू हुआ जब उनके वालिद को एक जहरीले सांप ने काट लिया और रिवायती जड़ी बूटियों से इलाज किया गया जो अमृत साबित हुआ। इस तजुर्बे ने हर्बल पौधों के साथ उनकी जिंदगी भर की दिलचस्पी को जन्म दिया। अपने पेशावराना करियर और खानदानी जिम्मेदारियों के बावजूद इन पौधों के तहफ्फुज के लिए सुभाश्री की वाबस्तगी कभी कम नहीं हुई। कोविड-19 की वबा के दौरान आयुर्वेदिक अद्वियात की जरूरत ज्यादा महसूस की गई। सुभाश्री के लिए एक अहम मोड़ ये साबित हुआ और इन्होंने वरीचियोर में एक जड़ी बूटियों का बाग कायम कर दिया। इन्होंने अपनी जमीन को जड़ी बूटियों की पनाहगाह में तब्दील किया, आबपाशी के लिए बोरवेल बनाया, पौधों की हिफाजत के लिए लोहे की बाड़ और एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई जिसमें मेहमानों के लिए काफी सहूलियात मौजूद हैं। इस बाग में नायाब नस्लें शामिल हैं जैसे पेई कुरुम्बू, करादा कल, संजीवी, करुनेची या फिर पुनाई मिसाई, ये सभी नायाब पौधे हैं। ताहम ये सफर आसान नहीं था। सुभाश्री को कुछ नायाब जड़ी बूटियां तलाश करने में बहुत सी जड़ी बूटियों का मिलना काफी मुश्किल है। इस उद्यान का पूरा उद्देश्य सिर्फ जैविक जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि हर किसी के घर में एक हर्बल उद्यान को बढ़ावा देना है।
नतीजे के तौर पर अब सुबाशिरी के बाग में तकरीबन 500 अकसाम की नायाब जड़ी बूटियां मौजूद हैं, जो तलबा, मुहक्किकीन और बाग के शौकीन अफराद के लिए वसाइल का मरकज बनाती हैं। हर जगह के तलबा मुतालियाती दौरों पर बाग का दौरा करते हैं और सुबाशिरी उन्हें मौजूद हर हर्बल जड़ी बूटियों की अहमियत के बारे में आगाह करती हैं। ये बाग लोगों को दवाओं के पौधों की अहमियत और तहफ्फुज की जरूरत के बारे में सिखाने के लिए वर्कशॉप्स और आगही सेशंस का भी एहतमाम करता है। सुबाशिरी का बाग पौधों के मजमू से ज्यादा है। ये रिवायती इल्म की मिरास है। ये माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक पुल की नुमाइंदगी करता है, जहां कदीम इलाज जदीद तफहीम से मिलता है। अपनी अंथक कोशिशों के साथ सुबाशिरी इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हर्बल जड़ी बूटियों के अनमोल इल्म को महफूज किया जाए और आने वाली नस्लों तक इन्हें पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी तहजीब में, हमारी संस्कृति में जबानों का एक अहम रोल रहा है। आज ऐसी बहुत सारी जबानें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जबानें भी हैं जिन पर काम किया जा रहा है, उनके तहफ़ पर काम किया जा रहा है। एक ऐसी ही जबान है संथाली, जिसके तहफ़ के लिए काम कर रहे हैं टूडो। जी हाँ, टूडो यानी कि रामजीत टूडो, ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस जबान के लिए काम किया है। उड़ीसा के आप रहने वाले हैं और बहुत कम ये ज़बान बोली जाती है, लेकिन इनका कहना यह है कि संथाली ज़बान को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ख़ास बात यह है कि इन्होंने एक ऐसा ऐप भी तैयार किया है जिससे इस ज़बान के फ़रोग के लिए काम किया जा सकता है। तो किस तरह से इन्होंने संथाली ज़बान के तहफ़ के लिए काम किया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मयूरभंज, उड़ीसा के रहने वाले रामजीत टूडू से मिलिए, जिन्होंने संथाली जबान के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये भारत की मुकामी जबानों में से एक संथाली जबान के तहफ्फुज़ और फरोग की एक कोशिश है। संथाली, जो संथाल कबीले के जरिए बोली जाती है, हिंदुस्तान की कम मारूफ जबानों में से एक है। फिर भी उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल जैसे खित्तों में इसकी सकाफती अहमियत है। ये प्लेटफॉर्म जो टूडू ने बनाया है, सार्फिन को संथाली में पढ़ने और लिखने की इजाज़त देता है, जो कि जदीद दौर में जबान को फलने फूलने का एक काबिल रसाई तरीका फराहम करता है। इस नए इख्तरा के साथ जबान अब आलमी सतह पर अपनी आवाज तलाश कर सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लसानी वरसे के साथ जुड़ने और इसे महफूज रखने की तरकीब मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टूडो की कोशिशों की तारीफ की और मुकामी जबानों और सकाफतों के तहफ्फुज़ की अहमियत पर जोर दिया। इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की डिजिटल पेशरफ्त हिंदुस्तान के भरपूर लसानी तनवु के तहफ्फुज़ में किस तरह मदद कर सकती है। इस प्लेटफॉर्म को इस बात को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है कि संथाली जबान और सकाफत, जिसकी नुमाइंदगी करती है, आइंदा नस्लों के लिए जिंदा रहे। शुरुआत में हमने इंटरनेट चलाया तो देखा कि हम डिफरेंट लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन हमारे लैंग्वेज में नहीं मिल रहा। तो हमने खुद से थोड़ा सा बहुत हम रिसर्च किया कि कैसे करके हम अपने लैंग्वेज में भी हम ये बातचीत हो सके, हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इस डिजिटल दुनिया में। तो इसी सोच कर ही हमने खुद से ही इंस्पायर होकर कि कुछ लोगों ने जैसे दूसरे लैंग्वेज में काम हुआ है, उस काम को देख करके हमने एक इंस्पायर मोटिवेशन लेकर के हमने। दर हकीकत रामजीत टूडू ने चंद साल कबल जब मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू किया था तो वो इस बात के लिए गमजदा थे कि वो अपनी मादरी जबान में पैगामात नहीं भेज सकते थे। इसके बाद उन्होंने संथाली जबान की ओल चिकी रस्मुल खत टाइप करने के इम्कानात तलाश करने शुरू किए। इन्होंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से ओल चिकी में टाइप करने की तकनीक तैयार की और आज उनकी कोशिशों से संथाली जबान में लिखे गए मजामीन लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं। डिजिटल इख्तरा हमारे भरपूर लिसानी वरसे के तहफ़ और फरोग के हमारे मिशन में एक ताकतवर जरिया है। रामजीत की तरफ से किया गया ये काम वाकई एक बेहतरीन मिसाल कायम कर रहा है और न सिर्फ ये टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है, बल्कि आपस में लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने,
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्रोग्राम मन की बात में कुछ आम लोगों की ख़ास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों की बात ज़रूर करते हैं जो समाज में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। फिलहाल इन्हीं बातों के साथ बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर। कि मैं कोई फूल नहीं।